अब हम ये वाला पीस मेन सम पीस के ऊपर अटैच करेंगे ताकि साइड से हमें ओवरफ्लो का जो कट चाहिए वो हमें मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्कर से जो सेक्शन के लिए हम लोग ग्लास लगाएंगे उसके लिए मार्क कर लिया है। सम के लिए आप लोग एक्रेलिक शीट का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप लोगों को इजी होगी। जो मैंने ओवरफ्लो के लिए ये एक एंगल कट चाहिए था, अगर वो आप लोग एक्रेलिक शीट लेंगे तो ऐसे ही काट लेंगे, अच्छे से फिनिश आएगा। हमारे यहाँ एक्रेलिक शीट नहीं मिलता है और ग्लास अच्छे से वो लोग कट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे ये तरीका अपनाया। आप लोग एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो, वरना ये भी तरीका अपना सकते हैं। हो चुके हैं हमें ये सब अटैच करते हुए, तो आइए देखते हैं ये कैसा बना है। देखने से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। तो इसके ऊपर हम लोग एक ब्लैक फिल्म लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्वेरियम के अंदर वो लोग स्प्रे पेंट का यूज़ करते हैं या कोई पेंट का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई पेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़रूर ऐसा लिखा होना चाहिए कि ये फिश और कुछ एनिमल को हार्म ना करे। मेरे सजेशन माने तो आप लोग ऐसा ही फिल्म या किसी शीट का ही इस्तेमाल करें जो पानी में मिक्स ना हो, ये मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। और ये आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसको केयरफुली अपने टैंक में बिठा कर देखते हैं कैसा फिट हुआ कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते लगाएंगे ताकि जो ग्लू हम लगाएंगे वो मेस्ट अप ना हो। अब हमें ग्लू करना है, बहुत ही ध्यान से और केयरफुली करें, हड़बड़ी मत कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा वरना चोट लग सकती है आपको। और सारी चीज़ें ग्लास से बनी हुई हैं, अगर टूट गए आपके हाथ में भी लग सकता है, और छोटे बच्चे ये ट्राई ना करें, किसी बड़े से करवा ले। हम लोग अब पीछे से जो ग्लू नहीं किया था, जो सेक्शंस थे, अब हम वो सील कर दे रहे हैं ताकि पानी लीक ना हो। सामने से भी अच्छे से ग्लू चिपका देंगे। और अब हम ये ओवरफ्लो के लिए ये ग्लास लगा दिए हैं। हमारे यहाँ अब सब लग चुका है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।